Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is Simran Gumbar. तो तुम्हारी most awaited video आ चुकी है, जिसमें कि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पंजाब में जो entity की 83-93 post की vacancy निकली है, जिसका exam अभी होना है, उसकी तैयारी कैसे करें? मैम हम समझ ही नहीं पा रहे, syllabus क्या है, किस type के questions आएंगे, किस टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम सिलेक्शन ले पाए. तो कोई बात नहीं, आपकी सिमरन मैम ये डिटेल वीडियो लेकर आ गई है ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी में समझ आ जाए कि कैसे कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और तुम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर दिखो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और तुम्हारी एंटिटी के बाद सरकारी नौकरी पक्की हो जाए. ठीक है जी, अब आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है. ठीक है जी, एंटिटी की गवर्नमेंट जॉब का पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का होगा. 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 2 घंटे का पेपर 120 मिनट मिलेंगे आपको 100 मार्क्स के लिए. टाइम आपके पास सफिशियंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैम पेपर का सिलेबस क्या है? पेपर का सिलेबस ये देखो, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इनसे इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे. अब हमारा मानना है जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज ज्यादा मार्क्स दिला सकती है, पहले उस पर फोकस करो. तो हम ये नीचे वाला जो एरिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पहले उसकी मार्क्स बात करते हैं. क्यों? क्योंकि ये तीनों टोटल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और आपके 100 मार्क्स के पेपर में पूरे पूरे 60 नंबर दिलवाएंगे. अगर आप मेरे हिसाब से तैयारी करते हो कि इस टॉपिक में ये पढ़ लो, मैं ऐसे पढ़ा रही हूं, ऐसे पढ़ लो, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, तो 60 में से 55 नंबर आप आराम से ले आओगे. 60 में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 55 नंबर लाना आसान बात नहीं है, ठीक है. लेकिन फिर भी आप जब हमारे साथ इसकी तैयारी करोगे ना, तो 55 नंबर तो यूं आसानी से आ जाएंगे. सिर्फ इस पार्ट की बात कर रही हूं, इसकी भी पूरी की पूरी बात करूंगी. 100 मार्क्स का पेपर है ना, हम हमेशा अपना टारगेट रखते हैं कि हमारे बच्चे के इतने से इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे. तो ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारी सिमरन मैम ने टारगेट रखा है 80-85 मेरे स्टूडेंट्स के आने चाहिए, जो कि आपकी सिलेक्शन की कट ऑफ जाएगी उससे तो ज्यादा ही है. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बच्चे पास ही नहीं हो पाते, मतलब कहते हैं ना कि कम से कम 50 मार्क्स ही आ जाए वही बहुत है. तो 85 मार्क्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम तैयारी 85 तक की तो आपको करवा कर ही रहेंगे, ठीक है. यहां से बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कितने मार्क्स का आएगा? 20. बाल विकास, अब ये बाल विकास में क्या है? आपको पता है आप किस जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हो? एंटिटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, आप नर्सरी के टीचर बनने वाले हो. नर्सरी के टीचर बनने वाले हो तो आपसे क्या पूछेंगे? 0 से लेके 6 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका विकास और वृद्धि कैसे होती है, उसके विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं, ठीक है, कि उसका सामाजिक विकास कैसे होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है. उसके बाद भाषाई विकास कैसे होगा, पहले बच्चा रोता है, फिर कूइंग स्टेज आती है, बैबलिंग, 1 वर्ड 2 वर्ड सेंटेंस, फिर ग्रामेटिकल वर्ड्स बोलने लगता है. तो ये क्या है, उसके भाषाई विकास के स्टेजेस हैं, ठीक है. उसके बाद आ जाता है संज्ञानात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट उसका कैसे होगा, आप इन डेवलपमेंट को बेटर करने के लिए क्या क्या करोगे. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बहुत सी चीजें आएंगी कि ये जो चाइल्ड, ये जो बच्चा है, इसके विकास में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे कैसे आप उसको समझोगे, कैसे कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे कैसे आप उसको बढ़िया बनाओगे, कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए, कैसे हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है, कब कब इम्यूनाइजेशन के टीके लगेंगे प्रेग्नेंट लेडी को या बेबी को, सारी की सारी बच्चा के पैदा होने भी छोड़ो, जब प्रेग्नेंट लेडी कंसीव करती है, जब बच्चा उसके पेट में होता है, वहां से लेके जब तक बच्चा 6 साल तक का हो जाता है, उसका सारा का सारा डेवलपमेंट आपसे पूछा जा सकता है. ये तैयारी आपको पता है आपकी सिमरन मैम करवाएगी, और ऐसी तैयारी करवाएंगी 20 में से 20 पक्के, ठीक है जी. पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू प्री प्राइमरी,
अब आपको पता है प्री प्राइमरी को लेकर कुछ हमारे स्टेट में मतलब पंजाब में या पूरे ऑल ओवर द इंडिया क्या है, कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं कि बच्चे के बेनिफिट के लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत बच्चे को ये मिलना चाहिए, इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, इसके अंतर्गत ये मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसीज के नाम क्या है, ये कब स्टार्ट हुई, इनका उद्देश्य क्या है, ये सब का सब इसमें पूछा जाएगा जो कि आएगा 15 मार्क्स का। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब क्या ऐड हुई है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, कब आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। उन्होंने हमारे प्री प्राइमरी को अपनी बच्चे की डेवलपमेंट में इंक्लूड कर लिया है। अभी तक जो बच्चे की स्टेजेस होती थी उसमें नर्सरी को कोई फोकस नहीं देता था, आंगनवाड़ी पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने 0 से 6 साल का जो बच्चा है उसको एक फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया है कि बच्चे की नींव, मतलब बच्चे की जो नींव है वो यहाँ इस साल में रखी जाती है। इसलिए उनको बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एजुकेशन इतनी अच्छी दो कि उनकी नींव इतनी स्ट्रांग बने। 15 मार्क्स का आएगा, सिमरन मैम के साथ अच्छे से पढ़ोगे तो 15 मार्क्स का ही नहीं गए। करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है जी। जब आप मुझसे एंटिटी में भी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था हम ना बच्चे के लिए पूरा करिकुलम बनाते हैं। 8:30 बच्चा आया, 9 बजे प्रार्थना करवाई, 9:30 पहली एक्टिविटी करवाई, दूसरी एक्टिविटी करवाई, करवाती हूँ ना मैं आपको पूरे दिन का करिकुलम। या फिर मैं आपको ये करवाती हूँ कि अगर आपको अपना प्ले स्कूल खोलना है तो आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे, कैसे प्ले स्कूल को डिजाइन करोगे, ठीक है जी, कैसे कैसे प्ले स्कूल के टीचर्स रखोगे, टीचर्स के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टीचर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई टीचर ने एंटिटी कर रखी हम तभी उसको एंटिटी की जॉब देंगे। अगर आप अपना प्ले स्कूल खोल रहे हो तो एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके प्ले स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें, कैसे करिकुलम डिजाइन होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चलो जी अब प्ले स्कूल बन गया, सारी फैसिलिटीज हो गई, अब आपकी टीचर्स जब पढ़ा रही हैं तो वो किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाएंगी, किंडरगार्टन मेथड आपने सुना होगा, ठीक है, आपने प्ले वे मेथड सुना है, स्टोरी टेलिंग सुना है, ठीक है, बच्चों के साथ डिस्कशन करोगे, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पर जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, वाइगोट्स्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, ब्रूनर ने थ्योरी दी है, उन सब की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि इस थ्योरी का ये एजुकेशनल इम्पैक्ट है। आपसे महा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, देखो 25 मार्क्स का है, ये सब तैयारी, ये सब 20, 15, 25 टोटल आएगा 60 मार्क्स का। अब जो बच्चा इन चीजों में एक्सपर्ट है ना, इन तीनों पार्ट्स में, समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है, उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि 100 मार्क्स में से सीधे सीधे 60 नंबर यहां से आ रहे हैं। और जब तुम्हारी सिमरन मैम तैयारी करवाएंगी तो तुम्हें पता है 60 में से 55 तो आने ही आने हैं, ठीक है, कितना ही टफ पेपर आ जाए, 55 मिनिमम बोल रही हूं मैं, 55 से ज्यादा 56, 57 और बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 60 भी आ जाएंगे। क्लासेस कैसे आएंगी हमारी वो भी धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन अभी बारी है सिलेबस डिस्कस करने की। चलो अब वापिस से ऊपर वाले पार्ट पे पहुंच जाते हैं। पार्ट ए में जीके एंड करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। जीके में 10th तक की सोशल साइंस, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, 10th तक की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आएगा उसके अंदर, जनरल साइंस, ठीक है, उसके बाद फेमस स्पोर्ट्स, फेमस फेस्टिवल्स, फेमस फोक्स, बुक्स, ऑथर्स, आपके पंजाब से रिलेटेड जो फेमस फेस्टिवल्स हैं या कोई हिस्ट्रीज हैं वो सब। करंट अफेयर्स कि अब प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चल रहा है, कौन गवर्नर इलेक्ट हो गया, किसने ये जीता, किसने वो जीता, इन सब को मिला के 15 नंबर। अब ये सिलेबस ऐसा है, एक होता है सिलेबस, ये होता है इतना बड़ा सिलेबस कि मैं क्या बताऊं, मतलब आप कितना भी पढ़ लो ये इसका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तो इसमें आप मानकर चलो 15 में से अगर आप 10 भी ले आते हो ना, मोर देन इनफ है, 10 नंबर तक की तैयारी तो देखो हो ही जाएगी। कि 10 नंबर में हमने आपको मेन बता दिया कि सोशल साइंस से ऐसे टॉपिक आएंगे, साइंस से ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं, ये फेमस चीजें हैं, ये करंट अफेयर्स है, इसमें हमारा टारगेट इतना ही है कि 15 में से 10 नंबर आ जाए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है जी।
इसमें अपना टारगेट यही लेकर चलना, ठीक है? कितना टारगेट लेकर चलोगे? 15 में से 10 नंबर मोर देन सफिशिएंट। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 10 मार्क्स की, आराम से, बहुत आराम से 8 नंबर स्कोर कर लोगे। इसमें पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? लिखा है 5, 10 डैश और फिर 20 की सीरीज को कंप्लीट करो, 5, 10 उसके बाद 15 आएगा, फिर 20 आएगा, तो गैप में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ऐसे आपको सीरीज को फॉलो करना है। काउ अगर मिल्क देती है तो शीप क्या देती है? ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर आपके पास वेन डायग्राम वाले आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगी कि इसकी मिरर इमेज कैसे होगी, कि अगर ये यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है, यहाँ पर आपका मिरर लगा होगा तो ये उल्टा होके कैसा लगेगा, या फिर वॉटर इमेज, यहाँ पर पानी है तो ये नीचे होके कैसे होगा। सारी की सारी तैयारी हम करवाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बस एक शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए है कि कैसा कैसा सिलेबस है। लैंग्वेज, अच्छा अब एक बात आपको मैं बताती हूँ, ये एक फ्री वीडियो है यूट्यूब पे। यूट्यूब के फ्री वीडियो अभी तक का हमारा प्लान है कि हम फ्री कोर्स लेकर आएंगे यूट्यूब पे, कि मतलब जितना ज्यादा टॉपिक्स हो सके हम यूट्यूब पे फ्री कवर करवाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर, कि मतलब आप सच में ये कोर्स से पढ़ना चाहते हो, या फिर हमेशा की तरह बच्चे ऐसे करते हैं, अरे फ्री कोर्स ही तो है, अभी पढ़ के क्या करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, मैम वीडियोस डाल तो रही है। देखो अगर तुम लोग ऐसा करोगे, मैम वीडियोस डाल तो रही है, बाद में पढ़ लेंगे, अगर वीडियो पे व्यूज कम आएंगे तुम लोग नीचे कमेंट नहीं करोगे कि हाँ मैम समझ आ रहा है, तो हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी तो हम सोचेंगे कि जब ये बच्चे देख ही नहीं रहे, जब बच्चों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो हम किसी और चीज पे मेहनत करते हैं, किसी और चीज पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वीडियो पर इतना इतना ज्यादा प्यार देना कि उतना ज्यादा हमारा मन करे फटाफट आपके लिए वीडियोस लाने की। जितना ज्यादा आपका प्यार होगा हमारी वीडियोस पर, उतनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन की वीडियोस आती रहेंगी। अब ये बिल्कुल आपके ऊपर है। लैंग्वेज 15 नंबर की आएगी। पंजाबी 10th तक आपने जो पंजाबी पढ़ी है, कोई भी बेसिक 5 क्वेश्चंस। इंग्लिश 10th तक जो भी पढ़ी है, हिंदी जो भी 10th तक पढ़ी है, इनसे बेसिक आएंगे। 15 मार्क्स का है, आराम से तुम लोग 10 स्कोर कर लोगे क्योंकि 10th तक की है। अब जब आप इस हिसाब से तैयारी करोगे, ये पार्ट तो आपने बना लिया बिल्कुल शेर शेरनियों जैसा, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हैं करके ही मानेंगे। जीके करंट अफेयर्स 10 नंबर ले आओगे, मोर देन सफिशियंट है, सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग 8 नंबर आसानी से आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सिमरन मैम ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके पढ़ाएगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। लैंग्वेज प्रायवाची, एंटोनिम, सिनोनिम, इसकी स्पेलिंग ठीक है, उसकी स्पेलिंग ठीक है, नॉर्मल बेसिक है, आसानी से हो जाएगा। इस हिसाब से तैयारी करोगे, अगर तुम 100 में से 80 से 85 के बीच में अपने मार्क्स लेकर आते हो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। मैं आपको इस वीडियो में एक ओवरऑल आइडिया देने वाली थी कि पंजाब की जो एनटीटी की 83-93 पोस्ट का एग्जाम होने वाला है, उसका सिलेबस ये है। आपको इस पार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, इस पार्ट पर, जीके वाले पार्ट पर सबसे कम फोकस करना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, कवर नहीं हो पाता। इस पे भी अच्छे से काम करना है, और ये तीनों लैंग्वेज तो तुम्हारी अच्छी है ही, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जब आप इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अभी तक एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है कि किस दिन एग्जाम है, लेकिन ये कोर्स इतना बड़ा है कि जितना पढ़ोगे उतना कम है। पहले तैयारी शुरू करोगे तो ज्यादा नॉलेज तो उतने ज्यादा चांसेस सिलेक्शन के। आज मैंने ये वीडियो डाल दी इंट्रोडक्शन की, अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे प्यार और सपोर्ट पर। जितना ज्यादा तुम इस वीडियो को शेयर करोगे, नीचे जितने ज्यादा लोग नीचे कमेंट करके बताओगे, नीचे लिख देना प्रेजेंट करके, मैम मैं इस कोर्स में पक्का पढ़ूंगी, सारी क्लासेस देखूंगी, मैम मैं इस कोर्स में पक्का पढ़ूंगी, सारी क्लासेस देखूंगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे जेन्युइनली इस फ्री कोर्स से पढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सिमरन मैम पढ़ाए। अगर तुम पढ़ना ही नहीं चाहते होगे तो इतना बड़ा कोर्स बनाने का हमें क्या फायदा होगा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि क्या तुम इस कोर्स को अच्छे से पढ़ोगे अगर हम इसे फ्री यूट्यूब पर लेकर आते हैं तो। ऑल्सो अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सबके सब अपने स्टेटस में डाल देना, हर जगह स्टेटस में डाल देना, व्हाट्सएप पे डाल देना, अपने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में भेज देना, फेसबुक पे डाल देना, इंस्टाग्राम पे डाल देना,
ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए जो कि पढ़ना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जितना ज्यादा तुम प्यार दिखाओगे इस वीडियो पे, उतनी जल्दी आपकी क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी। तो जी भर के अपना प्यार दिखाना वीडियो पर। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे। अब एंटिटी कर ली है, अब बारी है जॉब लेने की। अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।